शुरू कर रहे हैं आज का टॉपिक कनेक्टिव टिश्यू। नाम से ही समझ में आ रहा है, कनेक्ट करने का जो काम कर रहा है उसको हम कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। कनेक्ट करने का किस तरीके से काम कर रहा है, तो यहाँ पे कनेक्टिंग यानी यहाँ बोन्स को मसल्स के साथ कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। और आपका बाकी मसल से मसल्स को भी आपस में कनेक्ट करने का काम कर रहा है। कनेक्टिव टिश्यू यानी कनेक्टिंग सेल्स से मिलके बना होता है। एनाटॉमी फिजियोलॉजी की क्लास चल रही है हमारी, इसमें हमने स्केलेटल सिस्टम जो है वो पूरा कवर कर दिया है। डिफरेंट अभी टिश्यूज़ के बारे में हमने पढ़ा था, अब इंडिविजुअली हर एक टिश्यू के बारे में हम कवर कर रहे हैं। इसका स्ट्रक्चर यानी इस चैप्टर का क्या क्या स्ट्रक्चर रहेगा ये समझ लेते हैं। तो स्ट्रक्चर में हम इसके बारे में कनेक्टिव टिश्यू के बारे में जानेंगे। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर क्या है, किस तरीके से दिखता है, यहाँ पे एक छोटा सा डायग्रामेटिकली एग्जाम्पल के तौर पर समझाने की कोशिश की गई है। कनेक्टिव टिश्यू किस तरीके से है प्रॉपर यहाँ दिखाने की कोशिश की गई है। उसके बाद स्केलेटल जो टिश्यू है यानी स्केलेटल मसल्स जो था हमारा, वो किस तरीके से स्केलेटल सिस्टम बना रहा था और वो स्केलेटल सिस्टम किस स्केलेटल टिश्यू से बना हुआ है, कैसा उसका स्ट्रक्चर है वो देखेंगे। ब्लड वेसल्स यानी फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू हम इसको बोलते हैं, इसके बारे में भी हम थोड़ा बहुत ऑब्जर्व करेंगे, पढ़ेंगे। ऑब्जर्वेशन रहेगी कि क्या क्या हम समझ पाएंगे, तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम लोग का जो कॉन्सेप्ट है कनेक्टिव टिश्यू का वो क्लियर होगा। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर किस तरीके से होते हैं वो क्लियर होगा, स्केलेटल टिश्यू का क्लियर होगा और ब्लड वेसल्स टिश्यू का कवरअप होगा। कनेक्टिव टिश्यू मेजरली स्पॉट टिश्यू होता है, यानी आपका हर जगह बॉडी में इंक्लूडिंग स्केलेटल सिस्टम पाया जाता है। बोन में आप देखोगे कार्टिलेजेस जो इसका पार्ट है ये भी कवर करता है, इसमें एडिशनली जो अदर टिश्यूज़ हैं उसको भी कवर करता है। कनेक्टिव टिश्यू का जो स्ट्रेंथनिंग है वो एक तरीके से कह सकते हो बैग ऑर्गन फॉर्म में रहता है, यानी जो आपके ऑर्गन्स हैं उसको भी एक कवरिंग बैगिंग देने में हेल्प करता है। उसके बाद अदर एक्टिविटीज़ की अगर मैं बात करूँ तो दूसरे प्रपोर्शंस को, जैसे हमारे ब्लड वेसल्स हैं, नर्व्स हैं, इन सबको भी क्या करता है, सपोर्ट और सराउंडिंग्स प्रोवाइड करता है। लेवल ऑफ ऑर्गन कलेक्टिव टिश्यू की अगर मैं बात करूँ तो मैटरनली क्या है, इसके वेसल्स जो ब्लड सेल के वेसल्स हैं यानी जो हमारी वेन्स, आर्टरी और कैपिलरीज है, वो भी आपकी कलेक्टिव टिश्यू के फॉर्म से ही बनी रहती है। टाइप ऑफ फाइबर इसके अंदर आते हैं। नॉन लिविंग प्रोडक्ट्स में सेल्स जो है, फ्लूड्स जो है, सेमी फ्लूड्स जो है, बैकग्राउंड का मटेरियल, ये सारा आपका किस में आता है, नॉन सेलुलर मैट्रिक्स में आता है, जो कि आपका कनेक्टिव टिश्यू को नरिश करके बना के रखने में हेल्प करता है। कनेक्टिव टिश्यू आपका स्किन जो है उसमें भी कवरिंग में आपको देखने को मिलेगा, एपिथीलियल वगैरह है वहाँ देखने को मिलेगा। फिर एल्वियोलाइज हैं आपके जो कि ऑक्सीजन एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं, वहाँ पे भी आपको कनेक्टिव टिश्यू देखने को मिलेगा, यानी कवरिंग ऑल ओवर बॉडी में मैक्सिमम जगह आपको कनेक्टिव टिश्यू देखने को मिलेगा। कनेक्टिव टिश्यू क्या है, कनेक्टिव टिश्यू जो है आपके क्या करता है, सपोर्ट टिश्यू का काम करता है, किसमें, बॉडी में, ठीक है। इंक्लूड स्केलेटल सिस्टम, ये स्केलेटल जो टिश्यू है उसको भी इंक्लूड करता है, बोन को इंक्लूड करता है, कार्टिलेजेस को इंक्लूड करता है, ठीक है। उसके बाद एडिशनल बाइंडिंग टिश्यू टुगेदर, एक दूसरे को टिश्यू को बाइंड करने में हेल्प करता है, ठीक है। बैगेज का काम करता है, किसके लिए बैगेज का काम करता है, तो ऑर्गन्स के लिए बैगेज का काम करता है। अगर और बात करें कि क्या है, तो इसका ब्लड वेसल्स जो है यहाँ पे भी आपको कनेक्टिव टिश्यू देखने को मिलता है, नर्व्स के पास देखने को मिलता है, ठीक है। लेवल ऑफ ऑर्गन्स में देखने को मिलता है, क्या देखने को मिल रहा है आपको, ये कनेक्टिव टिश्यू देखने को मिल रहा है। फिर कंपोजिट मटेरियल की बात करें कि इसके अंदर क्या क्या मटेरियल रहते हैं, तो डिफरेंट टाइप ऑफ फाइबर्स रहते हैं इसके अंदर, नॉन लिविंग प्रोडक्ट्स रहते हैं इसके अंदर। नॉन लिविंग प्रोडक्ट्स यानी कौन से होते हैं, जो कि आपके फ्लूड है, सेमी फ्लूड है, बैकग्राउंड मटेरियल्स हैं, ठीक है। और मैट्रिक्स रहती है, कौन कौन सी सेलुलर मैट्रिक्स रहती है, यानी जो सेल्स हैं वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। क्या करता है, सप्लाई, अब ब्लड जो है आपका सप्लाई करता है क्या, टिश्यू के हेल्प से पूरे बॉडी पार्ट को क्या सप्लाई करेगा, तो डिमिनिश स्किन वगैरह का पार्ट है, ये सारी एसेंशियल चीज़ें जो हैं ये सारा कनेक्टिव टिश्यू के हेल्प से, जो ब्लड वेसल बना है उसके थ्रू ब्लड जो फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू है वो सप्लाई कर पाता है। क्या क्या सप्लीकेशन है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, ठीक है। ये सारा कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है, खुद से ही सारी चीज़ें सप्लाई करने का काम करता है। कनेक्टिव टिश्यू यानी फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू की यहाँ बात की जा रही है, यानी ब्लड की बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है। एक तो ये वाला पार्ट हो गया। उसके बाद अब आ जाते हैं हमारा कि व्हाट आर फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू, सॉरी कनेक्ट सिंपल अगर बोलें व्हाट आर कनेक्टिव टिश्यू, रीड इट फॉर मी। अब आ जाते हैं व्हाट आर कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या है, कनेक्टिव टिश्यू आर द मोस्ट अबंडेंट ऑफ द प्राइमरी टिश्यू
ऑलमोस्ट फाउंड एवरीवेयर इन द बॉडी, यानी कनेक्टिव टिश्यू जो है वो सबसे ज़्यादा मिलने वाले टिश्यू हैं जो हमारे पूरी बॉडी में पाए जाते हैं। ये क्या होता है, दो पार्ट होता है इसके अंदर, एक सेल होता है और एक एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जिसको हम फ्लूइड भी कहते हैं, जो कि हमारा नॉन लिविंग पार्ट होता है फ्लूइड। और सेलुलर मैट्रिक्स क्या है, जो सेल होता है। सेल कैसे मिलेंगे इसका, तो इसका जो डिस्टेंस है, यहाँ आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि ये जो डिस्टेंस है सेल का, ये काफ़ी दूर दूर है, ठीक है। और ये एक लिक्विड मोस्ट पैटर्न में रहते हैं, जो कि क्या होता है, हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। क्लियर हो गया इतना पार्ट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर की बात की जाए तो इसके अंदर क्या क्या कौन कौन से टिश्यू आ जाते हैं, तो कार्टिलेज आ जाता है, बोन आ जाता है और ब्लड आ जाता है। ये तीन आपके कनेक्टिव टिश्यू इसके अंदर आ जाते हैं। फंक्शन की बात कर लें कि क्या क्या फंक्शन प्रोवाइड करा रहा है कनेक्टिव टिश्यू। अब बात करते हैं फंक्शन की, तो सबसे पहला क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रहा है किसके अगेंस्ट में, वाउंड्स यानी घाव और बैक्टीरियल इन्वेजन यानी जो बैक्टीरिया अटैक करता है उसके अगेंस्ट में। दूसरा क्या है, इंक्लूजन क्या कर रहा है, अगेंस्ट द हीट लॉस, बॉडी में किसी तरीके का हीट लॉस ना हो, हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो कि 37 डिग्री सेल्सियस रहता है वो उतना ही रहे, उसको भी क्या करता है, इन सोल्यूशन में हेल्प करता है। फिर क्या है, सपोर्ट करता है फ्रेमवर्क, किसके फ्रेमवर्क को, बॉडी के फ्रेमवर्क को, कि भाई जैसे हमारा हार्ट है उसको एक फ्रेम दे रहा है, हमारा लंग्स है उसको एक फ्रेम दे रहा है, हमारे किडनी है उसको फ्रेम दे रहा है, लिवर है उसको फ्रेम दे रहा है, हमारे डिफरेंट मसल्स है, स्किन सरफेस है आउटर, उसको फ्रेमवर्क देने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। प्रोड्यूसिंग रेड ब्लड सेल यानी रेड ब्लड सेल को बनाने में भी कहीं ना कहीं इपिथेलियल टिश्यू का आपका कनेक्टिव टिश्यू का वर्क रहता है। उसके बाद आता है कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी क्या क्या चीज़ें हैं जो कॉमनली देखने को मिलती है हमारे कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। बात कर लेते हैं कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो इसके अंदर क्या है, वेरियस वेस्कुलैरिटी देखने को मिलती है, ठीक है। नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट्स सच एज ग्राउंड सब्सटेंस और फाइबर देखने को मिलते हैं, ठीक है। और तीसरा क्या है, इसमें कॉमन टिश्यू ऑर्गेन और ओरिजिन्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। फिर आ जाते हैं स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स, स्ट्रक्चरल एलिमेंट में क्या क्या हमारा कनेक्टिव टिश्यू में देखने को मिलता है, तो सबसे पहला है आपका सेल और दूसरा है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। तो सबसे पहले सेल में क्या है, सेल में कनेक्टिव टिश्यू जो कंपोज करता है वो क्या है, आपके दो कैटेगरी के सेल्स आते हैं। कौन कौन से हैं आपके दो कैटेगरी के सेल्स, तो अगर हम सिंपल ब्लड की बात करें तो ग्रैनुलोसाइट्स और एग्रैनुलोसाइट्स होते हैं। अब यहाँ पे सेल टाइप्स के बारे में हमने देखा था कि सेल टाइप क्या है, टू कैटेगरी में डिवाइडेड है। पहला क्या है, वो कनेक्टिव टिश्यू जिसमें क्या रहता है, सीक्रेट मैट्रिक्स रहेगा और मेंटेन करता है, वो क्या मेंटेन कर रहा है, तो मेजर क्लासेस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू मेंटेन करता है, जिसके अंदर क्या होगा, एंड और ब्लास्ट फेज होगी, ठीक है। सिक्रीट क्या करेगा, तो मैट्रिक्स सिक्रीट करेगा यहाँ पे, और लूज कैपेसिटी क्या रहेगी इसकी, डिवाइडेशन की रहेगी, क्या करेगा, मेंसेस साइकिल को जो मैच्योर साइकिल है उसको रेगुलेट करने में हेल्प करेगा और एंड क्रास्ट सिस्टम को बनाएगा। कहने का मतलब ये हो गया कि हिमेटोपोएटिक वाला जो पार्ट है यानी जहाँ पे सेल ग्रो होता है वहाँ से शुरू होके और जब तक पूरा साइटिक सेल कंप्लीट नहीं होता तब तक के पूरे पार्ट में आपको कनेक्टिव टिश्यू देखने को मिलेगा। क्या क्या रहेगा, प्राइमरी जो है आपका प्राइमरी ब्लास्ट फेज दिखाई देखने को मिलेगा, हीमोसाइटोब्लास्ट फेज देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद ब्लास्ट फेज का कैटरेज देखने को मिलेगा, फिर ऑस्टियोब्लास्ट फेज देखने को मिलेगा जो कि क्या है, प्राइमरी ब्लास्ट सेल ऑफ द बोन है। क्लियर हो गया इतना पार्ट। अब दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है यहाँ पे, तो कनेक्टिव टिश्यू जो है वो क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करा रहा है किसको, लूज कनेक्टिव टिश्यू यानी जो उसके साथ के टिश्यूज़ हैं जो मूवमेंट में हेल्प करते हैं, एश्योर करते हैं क्या काफ़ी टाइम सेल फैट सिस्टम को कि जो आपका बॉडी फ्लूड है जैसे कुछ एब्जॉर्ब किया उसको क्या करता है, एक रिजर्व एनर्जी फ्यूल में कन्वर्ट करके रखता है जो कि क्या होता है, हमारा फैट होता है। जो वाइट ब्लड सेल है, मास सेल है और माइक्रोफेजेस ऑफ एंटीबॉडी प्रोडक्ट प्रोड्यूसिंग है किसके, प्लाज्मा सेल्स का, वो भी क्या होता है, मोबाइल और माइग्रेट पार्ट में रहता है, किसके साथ में रहता है, तो कनेक्टिव टिश्यू के साथ में रहता है जो कि मैट्रिक्स फॉर्म है किसका, ब्लड स्ट्रीम का, ठीक है। ब्लड स्ट्रीम का कौन सा मैट्रिक फॉर्म है, मैट्रिक फॉर्म मतलब नॉन सेलुलर कॉम्पोनेंट वाले पार्ट की यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। और क्या करता है, एलिमिनेट करता है किसके, ड्राइंग और डेड टिश्यू ऑफ सेल को भी, यानी जो सेल डेड हो जाते हैं, डिकेइंग हो जाते हैं, उसको हटाने का काम भी यहाँ पे क्या करता है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू ही करता है। अब आ जाते हैं मैट्रिक्स वाले पार्ट पे, रीड कीजिए। तो बात करते हैं अब मैट्रिक्स की, जो कि आपका नॉन सेलुलर कंपोनेंट है। क्या क्या आता है, मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ ग्राउंड सब्सटेंस एंड फाइबर, ठीक है। कुछ ग्राउंड सब्सटेंस होते हैं और फाइबर होता है। क्या क्या होता है, इंक्लूड फ्लूइड्स रहता है इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। क्या क्या है, प्रोटीन होता है और आपका प्रोटियोग्लैंड्स होता है।
उसके बाद ये क्या करता है, फाइबर और फिलिंग का काम करता है, क्या किसके बीच के फिलिंग का काम करता है, तो स्पेस जो दो सेल का स्पेस है उसके बीच में फिलिंग प्रोटेक्शन का काम करेगा कि उसमें कुछ पार्ट फ्लूइड जो है वो फिल रहे, ठीक है। प्रोटीन्स फंक्शंस का क्या काम रहेगा, तो उसमें अटैचमेंट का काम रहता है उसका, टिश्यू सेल्स को अटैच करता है। मैट्रिक्स एलिमेंट्स रहते हैं, मैट्रिक्स एलिमेंट्स अभी मैंने बता ही दिया क्या क्या है, तो यहाँ पे आपका प्रोटीन है और पॉलीसेकेराइड्स है जो क्या करता है अटैच का काम करेगा, ठीक है। कैसे अटैच का करेगा, तो उसको ट्रैप करके रखेगा, और लूजली वाटर डिपेंडेंसी जो है वो किस तरीके से पता लगेगी, वो इसी तरीके से पता लगेगी कि जो आपका सब्सटेंस है वो किस तरीके से सेल के अंदर रह रहा है, यानी आपका जो ब्लड है उसके अंदर क्या हो गया, तीन तरीके के मैच्योर सेल हो गए, और उसमें जो अदर कॉम्पोनेंट्स है, जो प्लाज्मा है उसके अंदर क्या होता है, सारे चीज़ें रहता है, आपके हारमोन्स भी उसी में रहते हैं, बायोकेमिकल प्रोडक्ट्स भी उसी फ्लूड के अंदर ही रहते हैं। यही चीज़ यहाँ पे इस पैराग्राफ में मैट्रिक्स में बताई गई है कि मैट्रिक्स वो पार्ट है जो सेल को छोड़ के बाकी जितने कॉम्पोनेंट है उसको कवर करता है। अब आ जाते हैं कि हमारे जो मैट्रिक्स हैं वो कितने टाइप के फाइबर फाउंड करता है, तो यहाँ तीन टाइप के फाइबर देखने को मिल रहे हैं, पहला है कोलिजन फाइबर, दूसरा है इलास्टिक फाइबर, और तीसरा है रेटिकुलर फाइबर। अब पढ़ते हैं एक एक को कि क्या है रेटिकुलर फाइबर, क्या है कोलिजन फाइबर, क्या है इलास्टिक फाइबर। अब यहाँ पे कोलिजन फाइबर की बात करते हैं, तो ये क्या है, ये वाइट कलर का फाइबर होता है, स्ट्रांग होता है, स्टील होता है इसके अंदर, ठीक है, स्टिलनेस बहुत अच्छी रहती है फाइबर की, सेम साइज के होते हैं ये सारे, वेरी हाई टेंस्ड होते हैं, मतलब इस पे आप कितनी भी स्ट्रेचिंग डालोगे कोई इशू नहीं पड़ता है, ठीक है। एक लॉन्ग लिमिट तक जाते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस रहता है इसके अंदर, हैव अ ग्लेंसिंग एंड अपीयरेंस, यानी हल्का सा शाइनी अपीयरेंस रहता है इसका, ठीक है, और इसे हम वाइट फाइबर के नाम से भी जानते हैं। अब पढ़ते हैं इलास्टिक फाइबर के बारे में। अब इलास्टिक फाइबर की बात करते हैं, तो इलास्टिक फाइबर क्या है, आपका येलो फाइबर कहलाता है, बहुत ईजिली स्ट्रेच हो जाता है एक और दूसरे के साथ में, और सेम टाइम पे वो इमिडिएटली अपने आप को रिकॉल भी कर लेता है, रिकॉल मतलब वापस से अपने शेप साइज में चला जाता है, जैसे पहले एक बार खींचा और वापस अपने शेप साइज में आ गया। जो हमारे बाइसेप्स मसल्स हैं, ठीक है, वो क्या है, एक तरीके के इलास्टिक फाइबर होते हैं जो एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और फिर वापस जब हम हाथ सीधा करते हैं तो रिलैक्स हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें लंग्स है और ब्लड वेसल्स है, ये इसका एक अच्छा खासा एग्जांपल है किसका, इलास्टिक फाइबर का। इलास्टिक फाइबर को हम येलो फाइबर भी कहते हैं। अब जानते हैं अपना रेगुलेटरल फाइबर के बारे में, रेटिकुलर फाइबर। अब रेटिकुलर फाइबर के बारे में जान लें, तो ये बहुत ही फाइन कोलिजन फाइबर्स होते हैं, ठीक है, डेलिकेट होते हैं, कई सारी इसकी ब्रांचेस नेटवर्क होती हैं, और ये सॉफ्ट ऑर्गन जो कि लिवर और स्प्लिन है इसको सपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। आगे अब क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू में आ जाते हैं, किस तरीके से चार्ट में डिफाइन किया गया है ये समझाता हूँ। अब यहाँ पे हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू के बारे में, समझेंगे कि किस तरीके से टिश्यू जो है वो आपका क्लासिफाई हो रहा है। सबसे पहला है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू तीन पार्ट में डिवाइड हो रहा है, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, स्केलेटल टिश्यू और वस्कुलर टिश्यू, ये तीन टिश्यू हैं जो आपके डिवाइड कर रहे हैं। अब आ जाते हैं कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में कितने पार्ट हैं, तो आपके पाँच पार्ट में ये डिवाइडेड है। स्केलेटल टिश्यू जो है दो पार्ट में डिवाइडेड है, और ब्लड वेसल टिश्यू जो है ये फर्दर दो पार्ट में डिवाइडेड है। कौन कौन सा है ब्लड, पहले वेसल टिश्यू का ही देख लेते हैं। तो एक पार्ट है आपका इसमें ब्लड, और दूसरा पार्ट है आपका इसमें लिम्फ्स। फिर आ जाते हैं, यहाँ वेसल्स दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक हो गया आपका ब्लड और एक हो गया आपका लिम्फ्स। उसके बाद आ जाते हैं अपना स्केलेटल टिश्यू के बारे में, तो क्या है, कार्टिलेजेस इसके अंदर आ रहा है और बोन इसके अंदर आ रहा है। बोन पे यहीं पे एंड हो जाता है, फिर वो आगे फर्दर बोन टिश्यू के बाद सीधा बोन में बन जाता है। कार्टिलेजेस में फर्दर तीन कार्टिलेजेस आपको देखने को मिलेंगे, एक है हेयरलाइन कार्टिलेजेस, एक है फाइब्रस कार्टिलेजेस, और एक है कैल्सिफाइड कार्टिलेजेस। ये तीन कार्टिलेजेस हैं। उसके बाद आपका जो हाईलाइन कार्टिलेज है ये यहीं पे एंड हो रहा है, क्लासिफाइड जो है ये यहीं पे एंड हो रहा है। फर्दर जो आपका फाइब्रस कार्टिलेजेस है वो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, जो कि है वाइट फाइबर कार्टिलेजेस और इलास्टिक कार्टिलेजेस। आगे बढ़ते हैं कनेक्टिव टिश्यू के बारे में प्रॉपर जो है उसमें देख लेते हैं। तो आपके यहाँ पे एरुलोज टिश्यूज देखने को मिलते हैं, एडिपस टिश्यू देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद डेंस कनेक्टिव टिश्यू देखने को मिलता है, फिर रेगुलेटरी कनेक्टिव टिश्यू देखने को मिलता है, और पिगमेंटेड कनेक्टिव टिश्यू देखने को मिलता है। एरिलोज जो है वो वहीं पे एंड हो जा रहा है, एडिपस ये भी यहीं पे एंड हो जा रहा है। डेंस कनेक्टिव फर्दर दो पार्ट में डिवाइडेड है, वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू और येलो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। ये था आपका पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू का, स्पेसिफिक कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। उम्मीद करता हूँ ये चार्ट आपको अभी समझ में आ गया होगा।
अब आ जाते हैं हमारा कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। तो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर क्या है, आपका लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है और डेंस कनेक्टिव टिश्यू, दो पार्ट में डिवाइडेड रहता है। लूज कनेक्टिव टिश्यू जो है फर्दर सब डिवाइडेड है दो कैटेगरी में, जिसको हम क्या कहते हैं, एरुलोज और एडिपस, एंड रेगुलेट लूज कनेक्टिव टिश्यू इन प्रॉपर फेजेस। किस तरीके से प्रॉपर फेजेस में दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो कि ये जो है आपका, ये लूज कनेक्टिव टिश्यू का डायग्राम है। किस तरह यहाँ से लाइनिंग जो है ये फाइबर दिखाई दे रहा है, ये बीच बीच में डॉटेड पार्ट जो है ये सेल्स हैं, और बीच में एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, यानी आपका सेल कॉम्पोनेंट्स है। एरुलोज लूज कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे हम देखते हैं कि वाइड स्प्रेड कनेक्टिव टिश्यू है जो पूरी बॉडी में पाया जाता है, ठीक है। बेंडलेस एपिथेलियस है इसके अंदर, अटैच करता है किसको, स्किन और अंडरलाइनिंग टिश्यूज को। स्पेस कवर करके रखता है जो क्योंकि जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का है वो किसके साथ रखता है, तो प्रोटेक्शन के साथ में रखता है, उसको फिल करके रखता है। अगर हम बात करें कोलिजन फाइबर की, तो क्या होता है इसके अंदर, आपकी प्रीडोमिनेंट कोलिजन फाइबर जो है अपीयर होता है, जो कि क्या है आपका ब्रॉड पिंक बैंड की तरह दिखाई देता है यहाँ पे, ठीक है। इलास्टिक फाइबर रहते हैं इसके अंदर, क्योंकि क्या है आपके डार्क फाइबर जो थिन और डार्क फाइबर की तरह दिखाई देंगे आपको। उसके बाद अगर हम कंपोनेंट की बात करें, तो फाइब्रोब्लास्ट रहता है, एडिपोसाइट रहता है, प्लाज्मा सेल रहता है, मास्ट सेल रहता है, और माइक्रोफेजेस, ये सेलुलर कॉम्पोनेंट है जो आपके एरुलोज लूज कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में देखने को मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं आपकी नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू की, जो एरुलोज कनेक्टिव टिश्यू है वो किस तरीके से यहाँ दिखाई दे रहा है डायग्राम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो आपका कनेक्टिव टिश्यू है, कौन सा एरुलोज कनेक्टिव टिश्यू जो है वो यहाँ किस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो इलास्टिक फाइबर जो है यहाँ पे, ये आपको ये देखने को मिल रहा होगा इलास्टिक फाइबर, थोड़ा सा और बताऊँ तो आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख पाओगे इलास्टिक फाइबर जो है वो ये जो लाइनिंग है ये इलास्टिक फाइबर है। कोलिजन फाइबर ये वाला जो पार्ट है ये कोलिजन फाइबर हो गया, ठीक है। और अगर मैं इलास्टिक फाइबर की बात करूँ, तो इलास्टिक फाइबर कौन सा है, तो ये वाला पार्ट आपको जो देखने को मिल रहा है ये आपके इलास्टिक फाइबर हो गए हैं, ठीक है। और आगे फर्दर बात कर लेते हैं कि भाई हमारा फाइब्रोब्लास्ट क्या है, तो ये आपका जो पार्ट है ये आपका फाइब्रोब्लास्ट का पार्ट हो गया। तो ये तीन पार्ट इसमें आपको देखने को मिलते हैं, किसमें, एरुलोज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। ये आपका सेम चीज़ का माइक्रोस्कोपिकल व्यू है, किस तरीके से माइक्रोस्कोप के अंदर ये दिखाई देता है, पिंक बैंड वगैरह जो है, प्रोटीन जो है और कोलिजन फाइबर जो है, इस तरीके से रियल व्यू जो आता है माइक्रोस्कोपिकल वो ये है, और डायग्रामेटिकली इस तरीके से समझाया गया है। अब आ जाते हैं एडिपस लूज कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में। तो ये क्या है, आपके स्किन में देखने को मिलता है, अराउंड द किडनी देखने को मिलेगा, बक्स देखने को मिलेगा, और थिक लेयर देखने को इसकी मिलेगी। लोकेशन क्या है एडिपस टिश्यू की, तो कहाँ पे, हर्ट पे दिखेगा, पेंडिंग अराउंड जॉइंट्स पे दिखेगा आपके, और अराउंड द किडनी वॉल्स में देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूँ लूज कनेक्टिव टिश्यू पैक्ड हैं, जो कि क्या है, नंबर ऑफ फैट सेल्स होते हैं, एडिपोसाइट्स होते हैं, ये कहाँ पे रहते हैं आपके, स्टोरेज रहता है किसकी फॉर्म में, आपके फैट की फॉर्म में रहता है। एडिपोसाइट्स की बात करूँ तो लार्जली सिग्निफिकेंट ड्रॉप ऑफ फैट्स की तरीके से रहता है देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। फैट अकरिंग मैक्सिमम वॉल्यूम जो है सेल का वो क्या रहता है, इसी से रहता है, किसकी, फैट की, फैट से रहता है। उसके बाद न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्म जो है ये सेटिस्फाइड रहता है टुगेदर किसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। तो ये था आपका एडिपस का किस तरीके से देखने को मिलता है। अब एडिपस टिश्यू वो यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये है आपका एडिपस टिश्यू का डायग्राम, अगर यहाँ आप स्क्रीन पे प्रॉपर देखोगे तो एडिपस टिश्यू जो एडिपस कनेक्टिव टिश्यू है वो क्या दिख रहा है यहाँ पे, फैट ड्रॉपलेट्स दिखाई दे रहे हैं, यानी ये वाला जो पार्ट है ये पूरा एडिपस टिश्यू का फ्लैट जो है ड्रॉपलेट्स का है, ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो, तो ये पूरा फ्लैट ड्रॉपलेट है। उसके बाद अगर न्यूक्लियस की बात करें, तो यहाँ पे ये जो है आपको न्यूक्लियस देखने को मिल रहा है, ये वाला जो पार्ट है ये पूरा आपका क्या है, न्यूक्लियस है, यहाँ न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। फिर ये यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, उसके बाद आपका ये वाला पार्ट है, ये न्यूक्लियस का है, ठीक है। उसके बाद आपका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर मैं बात करूँ, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, ये जो लाइनिंग आप देख रहे हो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लाइनिंग है, ठीक है। तो ये अलग अलग तरीके से यहाँ पे डिज़ाइन करके यहाँ पे दिखाया गया है कि किस तरीके से आपका ये वाला जो पार्ट है ये हो गया आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये हो गया न्यूक्लियस, और ये हो गया आपका फैट ड्रॉपलेट जो बीच में यहाँ पे सेल के बीच में रहता है। क्लियर है इतना। अब यहाँ देख लेते हैं हम लोग एडिपस कनेक्टिव टिश्यू का माइक्रोस्कोपिकल व्यू। तो आपका एडिपोसाइट मतलब ये आउटर वाला पार्ट जो है यहाँ पे ये आपको देखने को मिल रहा है, ये एडिपोसाइट हो गया। उसके बाद क्या है आपका न्यूक्लियस एंड एडिपोसाइट, ये आपका जो पार्ट है ये आपका न्यूक्लियस एडिपोसाइट वाला पार्ट हो गया,
ठीक है। उसके बाद और नेक्स्ट देखते हैं, तो फैट स्टोरेज एरिया ऑफ एडिपोसाइट्स की बात कर लें, तो ये आपका जो है ये पूरा पार्ट जो है ये फैट एडिपस एरिया का है, ठीक है। उसके बाद आगे और फर्दर देखें तो साइटोप्लाज्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो पार्ट है, तो ये आप देखोगे यहाँ पे ये आपका है साइटोप्लाज्म, ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हो ये साइटोप्लाज्म का है। इसमें भी आप देखोगे तो ये वाला पार्ट जो है आपका ये साइटोप्लाज्म का पार्ट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट वाला पार्ट है जो कि है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी जो लाइनिंग है ये वाली, जो ये लाइनिंग है, ये आपकी जो लाइनिंग आ रही है खाली, ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की है। उसके बाद लास्ट में आप देख लेंगे ब्लड वेसल्स जो है वो किस तरीके से दिखाई देगा, तो ये आपका ब्लड वेसल वाला पार्ट हो गया। ये ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल कहाँ पे है, तो यहाँ पे ये जो आप सेल देख पा रहे हो ये आपका ब्लड वेसल का पार्ट है। तो ये कंप्लीट एडिपस टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू का आपका माइक्रोस्कोपिकल व्यू है डायग्रामेटिकली, और किस तरीके से ये पूरा दिखाई देता है अगर हम उसकी बात करेंगे, तो यहाँ पे ये है आपका जो पूरा एडिपस टिश्यू जो है वो दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा, तो यहाँ पे आप डायग्राम में आराम से समझ सकते हो पिक्चर ऑफ एडिपस टिश्यू की, इस तरीके से ये पूरा एडिपस टिश्यू दिखाई देता है। यहाँ आप देख लोगे फैट सेल्स इसके बीच बीच में है और बाकी सारी लाइनिंग्स का पार्ट जो अभी समझाया था वो सारा है। अब रेगुलेट ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू अगर हम देखें, रेटिकुलर्स ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू, तो ये क्या है आपके रेटिकुलर फाइबर्स का पार्ट है जो कि क्या करता है बोन मैरो स्प्लिन और लिम्फ नोड में देखने को मिलता है। सॉफ्ट स्केलेटल सिस्टम जो है फाइबर का फॉर्म करता है, सपोर्ट करता है ऑर्गन्स को, कौन कौन से, लिम्फ नोड्स को, रेड बोन को और रेड बोन मैरो को और स्प्लिन को, क्या करता है हेल्प करता है एक दूसरे के साथ जॉइंट होने में और रेगुलेट करने में, यानी एक सेल से दूसरे सेल को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। अब आ जाते हैं यहीं पे इसका डायग्रामेटिकली व्यू देख लेते हैं कि किस तरीके से हमारा जो रेटिकुलर लूज प्रॉपर है वो कैसे सिटी स्कैन में कैसा दिखाई देता है, सेल्स मतलब किस तरीके से सेल का ये दिखाई दे रहा है, उस वाले पार्ट को समझते हैं। तो यहाँ पे आप डायग्रामेटिकली व्यू देख पाएंगे आसानी से, कोशिश करता हूँ कि मैं आपको प्रॉपर यहाँ पे दिखा सकूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपका जो फाइब्रोब्लास्ट है, ठीक है, रेटिकुलर सेल्स जिसको हम बोलते हैं, वो ये वाला पार्ट है आपका, ठीक है, ये जो डॉटेड पार्ट यहाँ पे स्फेयर में दिखाई दे रहा है ये चीज़ है। उसके बाद आते हैं लिम्फोसाइट्स की बात कर लें, तो यहाँ पे ये जो सेल्स हैं ये लिम्फोसाइट्स हैं। देखो दोनों अलग अलग है, ये वाला जो पार्ट है ये आपका फाइब्रोब्लास्ट हो गया, यहाँ जो ये छोटा सा पार्ट दिखाई दे रहा है ये लिम्फोसाइट हो गया। उसके बाद रेटिकुलर फाइबर की बात करें तो ये जो लाइनिंग यहाँ पे ऐसे ये दिखाई दे रही है ये रेटिकुलर फाइबर की लाइनिंग है। उसके बाद ग्राउंड सब्सटेंस की बात कर लें तो ये जो ओपन स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, ये बीच का जो ओपन स्पेस है ये आपका ग्राउंड सब्सटेंस है। क्लियर है इतना। अब बात करते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस से ही पता लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कार्टिलेजियस फाइबर जो है इसके अंदर बहुत सारा होगा, यानी अबंडेंट फॉर्म में होगा, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होगा ये, ठीक है। दूसरा क्या है, ये लेस नंबर में रहते हैं, यानी इसके अंदर क्या होता है ओरिजिन जो है रेगुलर पैरेलली पैटर्न में रहता है इसका, ठीक है, लिगामेंट्स और टेंडन्स में ये देखने को मिलता है सबसे ज़्यादा। उसके बाद बात करें तो एल्कुलर स्केलेटल मसल्स जो है और जो बोन है उसमें भी इसमें देखने को, जो जॉइंट्स है वहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि क्या करता है स्टेबलाइजेशन यानी स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है। बात करें कि फाइबरस जो सेल्स है वो क्या प्रेजेंट रहते हैं आपके राउंड बिटवीन द फाइबर्स, फाइबर के बीच में रहेंगे। फंक्शनिंग क्या रहेगा इसका फाइब्रोब्लास्ट का, तो आपके फाइबर टिश्यूज को सपोर्ट करना और उसको स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड कराना रहेगा। अगर हम डायग्राम के हेल्प से यहाँ पे समझें तो आप यहाँ देख पाओगे इजीली फॉर्म में कि जो आपका रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू जो है वो किस तरीके से यहाँ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो आपका ये है कोलिजन फाइबर जो है वो यहाँ पे, ये जो आप पूरा पार्ट देख रहे हो ये कोलिजन फाइबर का पार्ट है। वहीं अगर हम देखें कि भाई फाइब्रोब्लास्ट क्या है, तो ये फाइब्रोब्लास्ट वाला पार्ट है जो आपका यहाँ देखने को मिल रहा है, ये सारा जो पार्ट है ये फाइब्रोब्लास्ट का पार्ट है। तो ये था आपका डेंस रेगुलेट कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। आगे इररेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू देखते हैं और कल से शुरू करेंगे हम स्केलेटल सिस्टम। अब बात कर रहे हैं हम यहाँ पे डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। तो इररेगुलर मतलब इसका कोई शेप साइज नहीं है, अरेंज जो है फाइबर ये क्या रहता है प्रीडोमिनेंट कोलिजन फाइबर के तरीके से ये रहता है, इलास्टिक फाइबर होते हैं। मेजरली सेल टाइप क्या है इसका, तो फाइब्रोब्लास्ट लाइज जो एम्बेडेड मैट्रिक्स है उसके बीच में रहता है। लोकेशन की बात कर लें तो इसका फाइब्रो कैप्सूल्स की जो लोकेशन है ओरिजिनली जॉइंट्स में देखने को मिलता है, ठीक है, स्किन में देखने को मिलता है और सब म्यूकस जो पार्ट है आपका किसका डाइजेस्टिव ट्रैक का
वहां देखने को मिलता है। क्या चीज? डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, ये वाला जो पार्ट है प्रॉपर, ये कहाँ पे देखने को मिलेगा? डाइजेस्टिव ट्रैक में देखने को मिलेगा, स्किन में देखने को मिलेगा, और कहाँ पे देखने को मिल रहा है? तो आपके ऑर्गन्स ज्वाइंट्स में देखने को मिल रहा है। अब आ जाते हैं डेंस इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर का दूसरा पॉइंट, जो कि है इट ऑल्सो रिकॉइल, यानी दोबारा से रिकॉल भी कर लेता है ये अपने आप को, जैसे पुरानी शेप का था, जैसे एक्सपेंड करेगा तो वापस से दोबारा से अपनी ही रिकॉलिंग एबिलिटी इसके अंदर रहती है, ठीक है, स्ट्रेचिंग एबिलिटी इसके अंदर रहती है। फिर क्या है, आर्टरीज और एड्स एसिड रिकॉलिंग की एबिलिटी भी रहती है, जैसे आपका लंग्स है और आपका पेल्विक रीजन में स्टमक है, ये क्या होता है, ये एक्सपेंड करता है और वापस से अपनी ही सेप साइज में ले आता है, ठीक है। कहाँ पाया जाता है? तो वॉल्व में पाया जाता है, लार्ज आर्टरीज में देखने को मिलता है, ठीक है। और कहाँ देखने को मिलता है? लिगामेंट एसोसिएटेड जो आपके वर्टिब्रल कॉलम्स है वहाँ देखने को मिलता है, विद इन वॉल ऑफ ब्रोंकल ट्रिब्यूल्स, यानी जो आपका लंग्स वाला एरिया है वहाँ देखने को मिलता है। तो इतना पार्ट हमने कवर किया किसका? कनेक्टिव टिश्यू का। चैप्टर चल रहा है हमारा टिश्यू में ही, कल हम पढ़ेंगे स्केलेटल टिश्यू के बारे में। उम्मीद करता हूँ अभी तक का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। तो आज हमने पढ़ा कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, और इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट जो है हम उल्टा रिवर्स करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले आपको जो डायग्राम है वो आपको बना के रखना है, जैसे इसका यहाँ पे डायग्राम दे रखा है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का, तो ये डायग्राम आपको आना चाहिए। उसके बाद रेटिकुलर लूज प्रॉपर सीटी जो है वो दे रखा है, ये डायग्राम आपको पता होना चाहिए। डायग्राम्स जो हैं वो सारे आपको कवर करने हैं। उसके बाद जो डेफिनेशंस हैं, जैसे आपके एरुलो लूज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में दे रखा है, तो इसको आप पूरे 5 पॉइंट को एक मर्ज करके समरी टाइप में आप इसको याद कर सकते हैं, या पॉइंट वाइज में भी रख सकते हैं। यहाँ पे डायग्राम जो है वो आपको याद रखना है, क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू, ये एरो डायग्राम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बनाना है अपने नोटबुक में। उसके बाद मैट्रिक्स का जो पार्ट है, हेडिंग लिखनी है उसमें, एक एक दो दो लाइन में इसको डिफाइन करना है, पूरा पैराग्राफ वाइज में डिफाइन नहीं करना है। फिर स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स जो है ये सेल्स का, ये सारा देखना है, कंपोनेंट फंक्शन, ये फंक्शन पॉइंट्स में ही रहेगा आपका। उसके बाद जो कनेक्टिव टिश्यू का डेफिनेशन है वो रहेगा, और क्या क्या उसके अंदर कैटेगरीज आती है वो सारी रहेगी। तो ये सारी चीज़ें आपको नोटबुक में लिखनी है। आज का टॉपिक कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट हमने कवर किया है, स्केलेटल सिस्टम हम कल कंटिन्यू करेंगे। टिल देन थैंक यू।